ओके सर। तो हमारी आज की क्लास में हम एडवांस एक्सेल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। इस वाले कोर्स को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे, राइट। मुझे पता है कि आप पहले से कुछ एक्सेल को कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपको नील समझता हूँ, जीरो समझता हूँ, लेकिन हाँ उतना भी बेसिक नहीं जाऊंगा कि बच्चों वाले एक बेसिक हर एक चीज को डिटेलिंग में नहीं बोलेगा, हम हर एक चीज को डिटेलिंग में लेके जाएंगे इस कोर्स जी सर। और इस क्लासेस की वीडियोज आप डाउनलोड, आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन जब जिस दिन आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे उस दिन आप मुझसे मांग लीजिएगा, मैं किसी मीडियम से आपको भेज दूंगा। ओके सर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हम कैसे स्टार्ट करें। तो ये जो हमारा एक्सेल है ये अरेंज है उसी हिसाब से, जैसे कि आपकी जो होम मेनू बार आप देख रहे हैं जी, होम मेनू बार के अंदर में वो सारे फीचर्स हैं जो कि मोस्ट यूजेस होते हैं। तो हम बात करेंगे फाइल मेनू बार से, तो मेनू के हिसाब से चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम कहां तक पहुंचे हैं और अगली टॉपिक कौन सी है। तो फाइल मेनू बार में हम आएंगे तो फाइल मेनू बार में सबसे पहले आपका होम दिखता है, राइट जी। यहाँ पे नहीं हूँ, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड्स और टूल वेबसाइट देखते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। इसके नीचे देखिएगा ये होता है आपके पास रिसेंट पिन और शेयर विद मी। अब ये तीनों को समझिए, रिसेंट मतलब क्या हुआ कि आपने रिसेंटली जो फाइल खोली है उसका लिस्ट जी, और एक आपका आता है पिन। होता क्या है जैसे रिसेंटली आपने जो फाइल खोली है उसमें एक लिमिटेड लिस्ट होता है, समझे ना, कि जैसे डेटा जीरो दिख रहा है, और फाइल खोलूंगा तो यहाँ पे डेटा जीरो हट जाएगा जी, यहाँ पे कॉन्टेक्ट आ जाएगा और इसके ऊपर से कोई और आ जाएगा, बट आपका जो पिन है जो डैशबोर्ड वन है ये फिक्स रहेगा, ये कभी भी नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पिन कर दिया। तो ऐसे फाइल जिसको आप हर दिन खोलते हो, दिन में कई बार खोलते हो, उसको आप पिन कर दीजिए। तो फायदा क्या होगा कि आप देखिए इसी फाइल को देखिए, ए सी ड्राइव की यूजर फोल्डर के अंदर, डेल फोल्डर के अंदर, गूगल ड्राइव के अंदर, पावर बी आई के अंदर डला हुआ है। तो मुझे इतने फोल्डर्स खोलने पड़ेंगे इसको इसको ओपन करने के जी, बट मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये ओपन हो जाएगा। इसके अलावा भी रिसेंट बहुत सारी फाइलें हैं, यहां से आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पिन लिस्ट होता है कि आपने कितने में को पिन किया हुआ, और यह होता है आपका शेयर विथ मी। शेयर विथ मी क्या होता है कि ऐसे फाइल जो आपको साथ शेयर किया गया है, समझे जी जी। तो कैसे शेयर किया गया है, तो बेसिकली मैं यूज कर रहा हूं ऑफिस 365 जो कि हमारा वर्जन है, इसलिए मुझे एक वेबसाइट के ऊपर वन ड्राइव दिया हुआ है और जो भी माइक्रोसॉफ्ट यूजर है वो मुझे फाइल भेजने के बजाय शेयर कर देंगे तो मेरे वन ड्राइव में आ जाएगा, गूगल ड्राइव वगैरह होता है। फिर न्यू पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आता है ब्लैंक वर्कबुक। इसके अलावा ये जो नीचे दिख रहा है ये आपका टेम्पलेट है। अब टेम्पलेट क्या होता है और क्यों दिया गया, मैं आपको समझाता हूं। आप माइक्रोवेव खरीदने जाएंगे तो उसके साथ उसका यूजर मेनू मिलता है, बिल्कुल, और यूजर मेनू जब खोलेंगे आपको तो उसमें आपको तकरीबन 20-25 बहुत सारे इसके खाने के रेसिपी मिलेगी, बिल्कुल। समझिए कि उसी तरह से आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने टेम्पलेट दिया गया है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इससे दो फायदा है इसमें, जैसे अभी आप लर्निंग में हैं तो आपके फायदा ये होगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह के रिपोर्ट बनाए जा सकते हैं। जब आप रिपोर्ट बनाओगे तो आप इससे आइडिया ले सकते, ठीक है। दूसरा, जैसे बॉस ने आपको बोल दिया कि यार मुझे एक बजट रिपोर्ट बना के दे दो,
एक बजट का टेम्पलेट फॉर्मेट बना के दे। अब हाँ प्रॉब्लम ये है कि आपने इससे पहले कभी बजट का टेम्पलेट नहीं बनाया होगा, ठीक है? जी तो आपने बजट को टाइप किया और यहां बजट से रिलेटेड आपको आ गया, ठीक है? जैसे यहां पे मंथली कंपनी बजट आ गया, आपने इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको डाउनलोड कर, ठीक है? अब इसको अपने हिसाब से कंपनी का नेम और बाई हेडिंग वेडिंग डालना है डाल दीजिए, डेटा इनकम कितना हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट स्पेस कितना हुआ, ओपनिंग स्पेस कितना है, ये आपको दे दिया। और यहाँ पे बजट आ गया कि एस्टिमेटेड हमारा अमाउंट, मंथली बजट आ गया कि एस्टिमेटेड ये है और एक्चुअल है जी। तो टेम्पलेट है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हम खुद के भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ओपन में आते हैं, तो जैसे कि आपने होम में देखा था आपके पास रिसेंट लिस्ट बहुत कम थी जी, बट ओपन में आएंगे तो आपके पास रिसेंट लिस्ट थोड़ी सी लंबी है जी, ठीक है? यहाँ पे लंबी है, जो पुरानी जो फाइल है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और ओपन तो आपको समझाना नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली ओपन कर सकते हैं, यहाँ से अगर लिस्ट नहीं है लिस्ट में तो यहाँ पे रिसेंटली फोल्डर्स आपने कौन कौन ओपन किए हैं वो फोल्डर आपने आ जाएगा। इसमें भी लिस्ट में नहीं है आपका तो ब्राउज पे जाके जहां जाना है उसको सिलेक्ट करके फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने कौन सी फाइल ओपन कर सकते हैं, जो एक्सेल को सपोर्ट करता है, जैसे कि एक्सेलएस, एक्सेलएस एम, एक्सेलएस बी, एक्सेलएस सी, सीबीएस, ऐसे फाइलों को ओपन कर सकते हैं। ओके सर। उसके बाद ये आता है इन्फो। इन्फो क्या होता है, इन आपके फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है कि कितने फाइलों के ऊपर प्रोटेक्शन लगा हुआ है, सारे सीट आ जाएगी। उसके बाद क्या क्या इशू है, इंस्पेक्ट इशू है, वर्जन, यहाँ पे वर्जन हिस्ट्री है कि इससे पहले की फाइल कौन सी वर्जन थी और कौन सा वर्जन हुआ। उसके अलावा यहाँ पे इसकी साइज और ये देखिए आप ऑथर आईबीटी एक्सेल स्कूल, तो जिसने बनाया है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, आप भी अपना नाम यहाँ एज ऑथर में ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए बॉस ने एक फाइल बनाया और बोला कि यार इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दो, आपने मॉडिफिकेशन किया, तो आपने मॉडिफिकेशन किया है कैसे पता चले, यहाँ पे आप अपना ऑथर नेम लिख दो, ठीक है? जी। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका सेव। तो फाइल नया है या पुराना है, सेव एज पे चला जाता है। सेव एज पे यहाँ पे तो रिसेंट है ही आपका फोल्डर, ब्राउज पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप फाइल का नेम और यहाँ पे फाइल के टाइप, तो बाय डिफॉल्ट फाइल का टाइप आपका एक्सेल वर्कबुक होता है जी। मतलब कि एक डॉट एक्सलेस एक्स होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास इस फाइल में मैक्रो लगा हो। अगर जिस फाइल में मैक्रो लगा हुआ है उस फाइल को आपने एक्सेल वर्कबुक के अंदर सेव कर दिया तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगा कि वो फाइल के अंदर जितने भी कोड्स हैं या फिर जितनी मैक्रोज हैं, फंक्शंस हैं, वो आपका डिसेबल हो जाए, क्योंकि किसी भी तरह के कोड को VBA कोड को सेव नहीं करता है जी। तो सेव करते समय इसका ध्यान रखेंगे कि मुझे एक्सेल वर्कबुक लेना है या फिर मुझे लेना है माइक्रो अनेबल वर्कबुक। माइक्रो अनेबल वर्कबुक मतलब इसमें सब कुछ कैरी करेगा। ओके सर। जी सर, इसका साइज जो हमारा नॉर्मल हम सेव करते हैं बढ़ के आता है या ऑलमोस्ट बराबर ही? नहीं, कोई खास नहीं, कोई खास। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। बाइनरी वर्कबुक क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा फाइल है जो कि काफी बड़ा है जी, उसको बार बार आपको जो है ये करना होता है, सेव एज करते ही जब भी फाइल खोलते हैं तो आपको काफी ज्यादा हैंग होता है, परसेंटेज देता है,
ऐसी फाइलों को आप एक्सेल वर्ली वर्कबुक में सेव करेंगे तो पहले से कम साइज हो जाए। 93 से 97 और एक्सेल फॉर्मेट में ये आपका सीवीएस फॉर्मेट है। बाकी इसके नीचे जो चीजें हैं पीडीएफ में इसको सेव कर सकते हो। बाकी कुछ और चीजें भी मैं आपको आगे क्लास में समझाऊंगा। फिलहाल हम एक्सेल वर्कबुक नॉर्मल फाइल एक्सेल सेव करते हैं, माइक्रो अनेबल वर्कबुक फाइल को माइक्रो वाली फाइल को सेव करते हैं। बाइनरी बड़ी लंबी फाइल है, उसको सेव करने से मेमोरी छोटी हो जाती है बट फॉर्मेटिंग में बहुत ज्यादा अच्छी से रिड्यूस हो जाती है। सिर्फ डेटा को सेव करें इसमें, रिपोर्ट को नहीं। ये आपका 2003 वाला मैंने जो पुराना वर्जन है पुराने वर्जन में डाल देता है, और ये आपका सीएसवी फॉर्मेट में डाल देता है, फॉर्मेट सेपरेटेड फाइल। ओके उसके बाद बाकी जो प्रिंट है तो प्रिंट है तो नॉर्मल प्रिंटिंग है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे प्रिंट टू पीडीएफ और प्रिंट टू बाकी चीजें भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे वन ड्राइव में फाइल को शेयर कर सकते हैं। वन ड्राइव है तो, और यहाँ पे आपके सामने एक्सपोर्ट होता है, इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर शेयर का थोड़ा बताइए, मान लीजिए मेरे को अपने किसी फ्रेंड को करना है ऑफिस में जो मेरे साथ काम करता है तो पहले आप उसको पहले इसको तो आप वन ड्राइव में सेव करना होगा। ओके, वन ड्राइव से इसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, वन ड्राइव में जाके मुझे शेयर करना होगा ना? जी हां, जैसे गूगल ड्राइव में कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहां आपके सामने आता है पब्लिश। अगर आप पावर भी यूज करते हैं तो इसको इस रिपोर्ट को पावर बीआई पे पब्लिश कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो पावर भी आई है आपकी इसी आईडी से होना चाहिए, कोई और आईडी है तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, क्लोज तो क्लोज ही है। और अकाउंट में आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपने परचेज किया हुआ है। जी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शंस। अब ऑप्शंस में आप बोलेंगे सर आप पहली क्लास में मुझे ऑप्शंस क्यों सिखा रहे हैं, एक्सेल की सेटिंग क्यों बता रहे हैं? तो मेरा मानना है कि जब भी हम कोई नई चीज लेते हैं तो उसको अपने हिसाब से सेट करते हैं। जैसे आप नया फोन ही खरीदते हो तो उसका रिंगटोन, उसका वॉलपेपर आप अपने हिसाब से सेट करते हो, क्यों? ताकि आपके हिसाब से वो वर्क करे। आप अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। तो सेटिंग में कुछ ऐसे सेटिंग है जिसकी जरूरत हमें पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका डिफॉल्ट फॉन्ट। अभी यहाँ पे कैलिबरी फॉन्ट है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम जो है कोई और फॉन्ट यूज करते हो तो बार बार उस फॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से हम अपना फॉन्ट सेट कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज, व्यू, और एक कितनी, जब भी मैं फाइल ओपन करूंगा तो कितने शीट आएगा। ये जो सेटिंग कर रहे हैं इसके लिए नहीं कर रहे हैं, ये डिफॉल्ट सेटिंग से। डिफॉल्ट सेटिंग पूरी एप्लीकेशन के लिए होगा। mm-hmm. दूसरा देखिए ऑथर नेम, जैसे बताया आपको, आप जस्ट चेक कर सकते हैं किसी फाइल पे कर्सर रख के कि इस फाइल को किसने बनाया है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, आपका यूजर नेम जो होता है, आपका जो यहाँ पे ऑथर नेम यूजर नेम जो होता है, आपका जो लॉग इन आई डी होता है ना जिससे लॉग करते हो कंप्यूटर की लॉग इन करते हो जी, वो एज ए डिफॉल्ट में रहता है। तो ऑफिस प्रोग्राम में क्या होता है, एडमिन वन, यूजर वन, ऐसे कुछ करके होता है। यस यस, यहाँ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ऑफिस का थीम जो कलरफुल है उसको आप चेंज कर सकते हो कि भाई ब्लैक हो जाए, ओके, व्हाइट हो जाए। जैसे मैंने मान लीजिए ब्लैक करके ओके कर दिया तो ये आपका ब्लैक हो जाए। ऐसी चीजें आप कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा आप एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तभी बेनिफिट होता है ना अपने काम करने में। बिल्कुल सर, मैं इसको वापस ब्लैक के दीवार पे कलरफुल कर देता हूँ। उसके बाद हम एक्सेल ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं। आपके सामने फॉर्मूला है जी, फॉर्मूला में आपका आर वन सी वन रेफरेंस स्टाइल है, मतलब कि ये जो ए बी सी डी है ये आपका 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है? 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 चले जाएगा, नंबरिंग में आ जाएगा आपका एबीसीडी। ओके ओके ओके, जो रो वन सी वन होता है और आर वन सी होता है, रो भी नंबर और कॉलम, हाँ नंबर कॉलम भी नंबर। ओके ओके, आर वन सी वन, ठीक है। और ये आपका
एनेबल एरर बैकग्राउंड चेकिंग है आपका, तो क्या होता है जब भी आपका कोई फॉर्मूला या कुछ ऐसे लिखते समय एरर नहीं होगा, मतलब कि वो एरर चेक करके बता देगा कि इस पे एरर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे सिंगल कोट लगा के नंबर लिख दिया, तो इसने बता दिया यहाँ पे, बता दिया कि नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट। हाँ, ये फीचर हटाना चाहते हैं कि ना इस तरह से ना दिखाए, तो इस तरह लगा देता है, तो आप फॉर्मूला में जाके इसको अनचेक कर दीजिए, हट जाएगा। लेकिन सिर्फ आपकी फाइल, आपकी फाइल में हटेगा सर, आपके सिस्टम पे हटेगा। हाँ, किसी को मेल करेंगे वहां नहीं हटेगा, क्योंकि ये सेटिंग आप अपनी कर रहे हैं ना। तो यहाँ आप इग्नोर एरर कर देंगे, इग्नोर एरर, तो अब हर हर फाइल में, हर सिस्टम में एरर इग्नोर रहेगा। ठीक है सर, ओके। उसके बाद यहाँ हम डेटा में कोई खास नहीं है, यहाँ पे प्रूफिंग पे आते हैं। प्रूफिंग पे आप जो है ऑटो करेक्ट ऑप्शन, पता है सर क्या होता है? यहाँ पे ऐसे कुछ लगा सकते, मैंने बना रखा है जी, ऐसे शॉर्टकट बना सकते हो, यहाँ पे शॉर्टकट दे दीजिए और क्या रिप्लेस होगा यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे डाला हमने। ओके, क्या होगा कि एक्सेल में आप वो शॉर्टकट लिखेंगे तो पूरा सेंटेंस आ जाएगा, तो डीएस लिखा स्पेस मारा डेली सेल्स रिपोर्ट आ गया। तो यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन में चीज हम करते हैं, ये सब डिफॉल्ट मेरी शीट के लिए रहेगा या इस प्रॉपर शीट के लिए रहेगा? ये डाटा एप्लीकेशन की सेटिंग कर देना आप। ओके, नहीं मतलब ओनली फॉर मेरे सिस्टम पे ही रहेगा, मेरे जो डिफॉल्ट रहेगा। अगर मैं किसी को भेजूंगा तो क्या उसमें भी ये वर्क करेगा? नहीं करेगा, लेकिन डेली सेल्स रिपोर्ट जो टाइप होगा वो रहेगा ही रहेगा, डीएस वो रहेगा। हाँ वो रहेगा, लेकिन मैं यूज केवल अपनी, जो कि ये मेरी पर्सनल सेटिंग्स है, तो मैं ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप दिख रहा है आपको जी, इसमें क्लिक है। अब जैसे कि कभी भी आप कोई ईमेल आईडी लिखते हो, एंटर मारते ही वो ब्लू कलर का हो जाता है और हाइपरलिंक लग जाता है जी जी जी, वो इसी से लगता है। इसको अनचेक कर दीजिए, नहीं लगेगा, तो डेटा एंट्री करने समय काफी प्रॉब्लम होती है। ओके ओके, समझे कि नहीं समझे? हां सुन लिया। मान लीजिए मैंने अगर @gmail डाल दिया, gmail.com लिख दिया किसी भी नाम के आगे, तो हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। हां, तो ये अनचेक कर दीजिएगा तो नहीं कन्वर्ट होगा, वो नहीं करेगा। ओके, सेव पे आते हैं। अब जैसे आपका फाइल का, अब मैं बताया था आपको कि एक्सेल वर्कबुक डिफॉल्ट होता है जी, तो अब इसे मैं मोस्टली फाइल मैक्रो बनाता हूँ। ओके, तो नॉर्मल फाइल को भी मैक्रो फाइल में सेव करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है कि डिफॉल्ट मैक्रो इनेबल वर्कबुक ही सिलेक्ट कर रखा है। इससे क्या होता है कि गलती से मैंने अगर आप अपने सिस्टम में कभी भूल गए जी 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 जी, तो ऑटोमेटिक उसी में सेव होगा, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। ओके सर, यहाँ पे ऑटो रिकवर, ऑटो रिकवर समझते क्या होता है? आई थिंक अगर मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम कभी बंद हो जाता है या आपका फाइल सिस्टम की गलती के कारण सिस्टम बंद होने पे, पावर जाने पे या फिर हैंग होने पे बंद हो जाता है जी। तो जब आप ओपन करते हैं तो साइड में वो रिकवर्ड फाइल दिखाता है, रिकवर्ड फाइल का एक कॉलम बन गया था जी। तो हर 10 मिनट आपका रिकवर रखता है, ओके, फाइल को सेव करता है। तो अगर बहुत बड़ी फाइल है तो हर 10 मिनट वो कुछ सेकेंड्स के लिए हैंग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से टाइमिंग को बढ़ा और घटा सकते हैं और लोकेशन यहाँ सेट कर सकते हैं कि कहाँ पे जाएगा, देख सकते हैं कि मैं रिकवर कहाँ पे गया। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए और किसी फोल्डर को ओपन कीजिए और उसके ऊपर आप डाल दीजिए, पाथ दे देने चल जाएगा, देखिए रिकवर्ड है। ओके ओके, ठीक है ना जी सर। उसके बाद आपका डिफॉल्ट, जब भी आप सेव एज करते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट का फोल्डर ही खुल के आता है, लेकिन हम लोग मोस्टली फाइल को डॉक्यूमेंट में नहीं, डॉक्यूमेंट से बाहर सेव करते हैं जी। तो ये चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आप जनरली कहाँ पे सेव करते हैं। हाँ, लोकेशंस में अपने हिसाब से शो कर सकते हैं। दूसरे से मैं बताया आपको कि ऑटो रिकवर होता है, तो हर 10 मिनट पे कुछ आपकी जो फाइल कुछ सेकंड के लिए हैंग हो जाती है जी। अब आप एक बड़ा, बहुत बड़ा फाइल रखे हो
जिस पे आप टाइप नहीं करते हो उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उससे उससे डेटा ले लेके रिपोर्ट बना रहे हो, जी तो हर 10 मिनट में आपका हैंग हो जाता है। यहाँ से आप उस फाइल को सेलेक्ट करके डिसेबल कर सकते हो, इस पे ऑटो रिकवर चले ही ना। ओके, पर्टिकुलर फाइल पे, फाइल पर्टिकुलर सीट के लिए जिस सीट पे मैं काम कर रहा हूँ, सीट नहीं सर, फाइल, हाँ पर्टिकुलर फाइल पे, ठीक है जी जी बाकी लैंग्वेज में खास नहीं है। एडवांस में आते हैं तो एडवांस में छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि आप एंटर मारते हो तो कर्सर डाउन जाता है ना, डाउन की जगह पे लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ओके, या यहाँ से अनचेक कर दीजिए कर्सर जाएगा ही। ओके, और जैसे आप यहाँ पे जब भी टाइप, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो जब भी मैं टाइप करूंगा तो 200 से डिवाइड हो जाएगा, मैं 500 डालूंगा तो 5 दिखाएगा। ओके, उसके बाद ये आपका अनेबल फील्ड होता है, अगर जो ड्रैग करते हैं ना तो ड्रैगिंग पॉइंट बनता है, इसको अनचेक कर दूंगा तो ड्रैगिंग पॉइंट बनेगा ही। तो इसके ओके अलावा यहाँ पे और भी सेटिंग्स है, तो एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है सर। ओके ओके और फिर हम कल इसमें के कुछ जो चीज आपको समझ में नहीं आया हो और कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा इसमें हम कल करा देंगे, एक बार देख लीजिए, छोटी मोटी सेटिंग है इसमें, ओके ठीक है सर। सर इसमें एक छोटी सी क्वेरी थी, एक्सेल में मेरे को एक ये प्रॉब्लम हमेशा फील होती है कि जब भी मैं कुछ टाइप करता हूँ तो जैसे वर्ड में तो वो मुझे क्लियर बता देता है अगर मेरी स्पेलिंग कुछ गलत है या कहीं मेरा सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम है, एक्सेल में ऐसा कोई कुछ है जिसमें ये रीड करता हो कि आप जो टाइप कर रहे हैं वो सही है गलत है? F7 दबा दीजिए, F7, हाँ ये होता है आपका रिव्यू के अंदर में होता है। ओके, स्पेल चेक, स्पेल चेक के लिए। ओके, उस सेल को चेक करके मैं कर सकता हूँ या पूरी शीट में देख सकता हूँ? पूरी शीट दे, स्पेल चेक कर दिया तो सिलेक्शन है, पूरी शीट, पूरी शीट। ओके ठीक है, ओके, वर्ड मोर लाइनिंग मिल जाती है ना, लाइनिंग नहीं लगती यहाँ पे, यहाँ लाइनिंग नहीं मिलेगी, तो सर मुझे कैसे जज होगा कि मैंने सही टाइप किया नहीं किया? अब एक बार टाइप करने के बाद एक बार एक्सेल दबा दिया करो, मैं एक बार चेक करता हूँ, एडिट एडिट में डाल, ठीक, क्योंकि एक्सेल में डेटा स्टोर होता है ना सर, इसलिए ड्राफ्टिंग के काम नहीं होता ना, सिर्फ ड्राफ्टिंग के लिए नहीं बना हुआ। जी जी हाँ, नहीं ड्राफ्टिंग तो मिनिमाइज है, मैं तो मुझे डेटा स्टोर करना है, कैलकुलेशंस करनी है। जी सर, ओके, तो इसको आप एक बार देख लीजिए एक्सेल में इसके क्या बोलते हैं ऑप्शंस को, फिर हम आगे कल की क्लास में बाकी चीजों पे डिस्कस करेंगे, ठीक सर, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। और कोई छोटी मोटी डाउट हो तो व्हाट्सएप पर भी वो बात कर लीजिएगा, ठीक है, ओके, बाय बाय सर।